नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भोला फिल्म में अभिषेक बच्चन का कैमियो ये तो कंफर्म है, लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट न्यूज मेरे सामने निकल करके आ रही है उसके अनुसार भोला फिल्म में केवल अभिषेक बच्चन का कैमियो नहीं है बल्कि दो और बड़े स्टार का कैमियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज लगभग कन्फर्म है, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैंने कई जगह इस न्यूज के बारे में पढ़ा है और अजय देवगन सर ने भी अपने एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि भोला फिल्म में कई सरप्राइजेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, विशेषकर क्लाइमेक्स में। तो अभिषेक बच्चन का कैमियो तो कन्फर्म ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा किसके कैमियो हो सकते हैं? तो दोस्तों, अभी तक मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार सलमान खान तथा संजय दत्त का कैमियो इस फिल्म में देखने को आपको मिल सकता है। पहले सलमान खान के बारे में खबरें भी आई थी कि सलमान खान इस फिल्म में है, तो अगर ये कैमियो और होती है तो फिर भोला फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आजकल हर कलाकार किसी न किसी कलाकार का सहारा लेता ही है, फिल्म में बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाते हैं। तो अगर भोला फिल्म में फिर अजय देवगन सर के साथ अभिषेक बच्चन, सलमान खान और संजय दत्त भी नजर आ जाते हैं तो फिर तो कहने ही क्या। और दोस्तों, उड़ती हुई खबर तो ये भी है कि लीजेंडरी एक्टर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कैमियो भी इस फिल्म में। अब अगर ये बात भी सच हो गई तो फिर आप सोच लीजिए कि ये फिल्म क्या करने वाली है, बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करने वाली है, क्या इतिहास बनाने वाली है। बोला फ्रेंचाइजी है, बोला पार्ट टू भी बनेगा, इसको भी अजय देवगन सर ने कंफर्म कर दिया है, तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है ये। और दोस्तों, सेकंड पार्ट में अभिषेक बच्चन भी मुख्य विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं, ये बात भी लगभग कंफर्म है। तो दोस्तों, ये जो खबरें आ रही है वो मैंने आपको बताई, हालांकि मैं इन खबरों की सत्यता को अभी पूरी तरह से आपको मतलब नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन ये खबरें चल रही है तो मैंने आपको बताना उचित समझा। बाकी दोस्तों, जब मैं और आप सभी फिल्म देखेंगे तब पूरी बात सामने आएगी, देखते हैं कितने सरप्राइजेज बोला में देती है। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।